प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत हो चुका है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज आया हूँ मैं घर, जो कि भतीजे का हमारे जन्म है। तो सुबह उठ चुके हैं और दिखाता हूँ आपको पूरा मौसम। और साथ में हमारे हैं दादा, लखनऊ से आए हैं। ये हैं दादा हमारे। अब हम जा रहे हैं पानी भरने के लिए। लोके उड़ के उड़ने वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। मेरी पहले की वीडियो में आपने देखा होगा हमारा धारा, जो कि एक धरोहर है गांव के लिए, क्योंकि आजकल गर्मियों के सीजन में पानी की बहुत समस्या है, जो कि चिड़ियों की आवाज। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, खाना की मार्केट सामने है पुल, क्योंकि रानीखेत वाला पुल है। नदी में देख सकते हैं गर्मी से कितना पानी कम हो गया। घर आए तो पहला काम होता है कि मंदिर में जाने का। सुबह नहाने धोने के बाद नाश्ता बाद में होगा। सोचा कि ग्राउंड मंदिर को आता हूँ, क्योंकि जब तक तो मंदिर ना हो ना मन नहीं करता, सुकून नहीं मिलता है। तो ठीक है, मंदिर में दर्शन करते हैं। तो रहे हैं गांव में छोटे छोटे आम। अपने मंदिर में एक खास बात यह है कि पीपल का जो पेड़ है काफ़ी ठंडी हवा देता है, और सभी लोग गर्मी में आते हैं तो इसके नीचे यहाँ मतलब मंदिर में बैठने जरूर आते हैं, क्योंकि इसमें हवा काफ़ी अच्छी रहती है। दिखाता हूँ आपको, अभी कुछ पत्ते नहीं आए इसमें, पत्ते नहीं आ रहे हैं, नई गलियाँ फूट रही हैं। और ये रहा कुछ व्यू मंदिर से, दिखाता हूँ नीचे की तरफ का। बादलों के उड़ने वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। धूप हल्की हल्की गुनगुनी लग रही है और बाकी चिड़ियों की चहकाट आपको सुनाई दे रही होगी। तो चलते हैं घर, जाता हूँ नाश्ता वास्ता करते हैं। ये हो रहे अपने घर में गुलाब के फूल कुछ इस तरह। ये बारहमासी गुलाब है, ये बारह महीने खिले रहता है। और ये बेलपत्र का पेड़, जो कि बेल का जूस गर्मी में काफ़ी सेहतमंद रहता है। ये हो रहा है अमेरिकन केसर हमारे घर में, ये देख सकते हैं। खुशबू तो कुछ खास है नहीं है, पर कलर काफ़ी अच्छा देता है। ये सूख चुका है पूरा। इसके जो दिखाता हूँ आपको, ये होती है ना, इस टाइप का होता है, ये पंखुड़ियाँ निकलते हैं, कांटे होते हैं इसमें। ये बाकी है अपने आम के पेड़ दो, जिसमें काफ़ी अच्छा फल आया इस बार, अगर आधी नहीं आई टिक गया तो। और ये रहा खुमानी का पेड़। खुमानी इस बार घर में कोई था नहीं, तो खुमानी सारी खा के बंदर। एक दो खुमानी दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह होती है। ये लगी है दोस्तों खुमानी। कल की तैयारी जनेऊ जो है उसके लिए बर्तन आ गए हैं पंचायत घर से। बाकी धूप देख सकते हैं कितनी तकलीफ लगी है। हम नाश्ता वास्ता करते हैं, इसके बाद दिन का दिखाते हैं जो भी होता है। बाकी कल तो दिखाएंगे पूरा जनेऊ का जो भी चलता है अपने पहाड़ पर। कल तो गंजी हो जाएगा। नाश्ता वास्ता करते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आगे को जो भी काम होगा, उसके बाद इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी कल का जो ब्लॉग है बहुत बढ़िया आएगा।